आप इंटरव्यू देने आए हैं? नहीं सर, हम तो चेक करने आए आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। जी मैं प्रधान का दोस्त। और तुम? जी मैं भी प्रधान का दोस्त। तुम भी प्रधान के दोस्त हो? ना। फिर? मैं प्रधान। तुम भी इंटरव्यू देने के लिए आए हो? मैं तमाशा देखने आया हूँ। तमाशा? वो क्या होता है? अरे स्वाद लेने आया हूँ। स्वाद लेने आया हूँ? इधर बसंती नाच रही है, करने क्या आये हो इधर? भाई का इंटरव्यू देखने आया हूँ। इंटरव्यू देखने आया ना, वहाँ बैठ के देखो चुपचाप। मने ऑर्डर देगा तू? क्यों गुंडे हो तुम कहीं के? मारे घर से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई अपना पंगे को ले सारा ने बेरे जा, इससे लड़ाई कर ली ना तो ये गाड़ी देने लग जाएगा। क्या की मुसीबत है। प्रधान जी आप उधर बैठ जाइए। अरे जाऊं मैं। कौन था ये? बदमाश है सर, लेकिन दिल का साफ है। एक बार एक सरदार की गर्दन पे किसी ने चाकू लगा दिया था। अच्छा तो इसने बचा लिया था? नहीं सर, इसी ने चाकू लगाया था। क्यों? सर फिर है सर, कुछ भी कर देता है। एक बार टीचर ने इसे थप्पड़ मार दिया था क्योंकि इसे सवाल का जवाब नहीं पता था कि ताजमहल कहाँ है। फिर अगले दिन सभी पूछ रहे थे कि टीचर कहाँ है। काफी खतरनाक है। बच के रहना सर। खैर छोड़ो, इंटरव्यू पर वापस आते हैं। मुझे ये बताओ तुम्हें कंपनी में क्यों रखे? क्योंकि मैंने अप्लाई किया सर। क्या? सर जरूरत है मुझे जॉब की, इसलिए रखो। झंडुओं को नहीं रखती कंपनी। लेकिन आपको तो रखा हुआ है। बकवास मत करो, मुझे ये बताओ तुम्हें कंपनी में क्यों रखे? क्या अलग है तुम में? सर मैं 5 किलो गुलाब जामुन खा सकता हूँ। सिक्योरिटी 5 किलो गुलाब जामुन मंगाए जाए? अरे सर ऐसे एक बार में नहीं, मतलब 2 अभी खा लिए, 4 बाद में, ऐसे करके 5 किलो। तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो कंपनी के लिए? जॉब? सोच कैसे लेते हो इतना क्रिएटिव? हम तो जी खानदानी टैलेंटेड हैं, और दादाजी भी बहुत टैलेंटेड थे हमारे। हाउ? वो उड़ती चिड़िया के पंख गिने लेते थे। कैसे? जी गुलेल मार के, निशाने बहुत पक्के थे ना उनके। अभी कहाँ है वो? टीआर जेल में। किस लिए? एक आदमी उन्हें 500 रुपए दे रहा था। फिर मारा क्यों? उन्हीं के बटुए से दे रहा था। टैलेंट तो मेरे दादा में भी बहुत था, वो ईट से ईट लगा के दीवार बना देते थे। सर जी वो टैलेंटेड नहीं थे, मजदूर थे। तभी तो जब भी मैं ऑफिस में दादा के टैलेंट की बात करता था सभी मुझ पे हंसने लग जाते थे। वैसे तुमने बताया नहीं हम तुम्हें क्यों ले। सर आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर दिस जॉब, आई विल किल माई हर्ट एंड सोल फॉर दिस जॉब सर, एंड टेक दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। भाई मेरे को भी दे। क्या? चरस। तुम नशे करते हो? जी सर। नशे मत किया करो, इससे घर बर्बाद हो जाता है। सर आपको पता है मेरे दादा 100 साल जिए थे। वो भी नशे करते थे? नहीं सर, वो अपने काम से काम रखते थे। कैसे बदतमीज लोग आए, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। जी शीशा देखा होगा आपने। तुम बताओ 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? ये सवाल मत पूछो सर। क्यों? आगे पता चलेगा। अब जल्दी जल्दी कुछ सवालों का जवाब दो। ओके। लाल किला कहाँ है? नहीं पता। सात समुंदर के नाम? नहीं पता। एम्बुलेंस का नंबर? नहीं पता। इस कंपनी का नाम क्या है? नहीं पता। तो तुम्हें पता क्या है? नहीं पता। तो फिर इधर करने क्या आए हो? जॉब। चलिए बताओ अगर कंपनी में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? जी मैं सबसे पहले बीड़ी चसाऊंगा, क्योंकि बिना बीड़ी पिए मेरा दिमाग नहीं चलता। देखो सर आपको ये लग रहा होगा कि अगर इनको कंपनी में रख ले तो ये कंपनी को बर्बाद कर देंगे, तो सर आपको सही लग रहा है। हम कंपनी की ईट से ईट बजा देंगे, हमसे जितना होगा कंपनी की बर्बादी में उतना योगदान देंगे। एम्प्लॉयज को आपस में भिड़वा देंगे, उन्हें कंपनी के खिलाफ खड़ा कर देंगे, और बात यह है कि सिर्फ 1 हफ्ते में कंपनी की नई अपार लगा देंगे। तुम सिलेक्ट हो। मुझे ऐसे ही एम्प्लॉय की जरूरत थी जो इस कंपनी को डुबा सके, इसका नाम खराब कर सके। ये कंपनी मेरी नहीं है, इधर का जो बॉस है ना साला इतना हरामी है, हमसे मुंडने तक के पैसे लेता है। हफ्ते में एक बार हमसे बाथरूम साफ कराता है, एक बार नया जूता लेके आया मेरे मुंह पे मारा, मैंने पूछा क्यों मारा, मुंह पे फिर मारा। एक बार बिस्कुट लेके आया मुझे खिला के पूछता कुछ हुआ तो नहीं, मैंने कहा नहीं, फिर जाके अपने कुत्ते को खिलाया। ये इज्जत है हमारी। सर जी, ओ सर जी, बॉस नहीं भेजा मैं आपका टेस्ट लेने के लिए, ये देखो वीडियो कॉलिंग पर है। साले यहीं से घर निकल जाइयो, ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। सर हमने तो पहले ही कहा था हम चेक करने आए हैं कि आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। सर आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो?